जो कुश आ गए। गुड मॉर्निंग कुश। ठीक है, करे स्टार्ट। देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्राइमरी की। शायद आने वाले बच्चे आ गए होंगे, अब कोई आने वाला है नहीं शायद। तुम लोगों को पढ़ने की इच्छा नहीं होती क्या? अरे चल, आज का जो टॉपिक है वो है अपना प्राइमरी की। क्या नाम है? प्राइमरी की। प्राइमरी की समझना, प्राइमरी की क्या होती है? करेंगे आज प्राइमरी की। व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की होती क्या है समझना। प्राइमरी की हम ऐसे कॉलम को प्राइमरी की बना देंगे जिससे बाकी सभी कॉलम की यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। क्या कहा मैंने? ऐसे कॉलम को की के रूप में यूज में लेंगे जिससे पूरी टेबल के सभी कॉलमों की यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। और जिस फील्ड को हम प्राइमरी की बनाएंगे उस फील्ड में कुछ क्यों ने? हाँ राहुल, गुड मॉर्निंग। बेटा क्लास का ध्यान रखो राहुल, क्लास के टाइम का ध्यान रखो बेटा। ठीक है, हाँ समझना, प्राइमरी की होती क्या है? ठीक है, हमने मान लिया एक टेबल बनाई है। इस टेबल में मान लिया कुछ कॉलम है। पहला कॉलम का नाम है रोल नंबर, दूसरा कॉलम का नाम है नेम, तीसरा है एज, एड्रेस और क्लास। कुल मिला के मैं बात करूं तो कितने कॉलम हो गए रे? ये पांच कॉलम हो, पांच फील्ड हो गए। ये पांच फील्ड क्या है? एक स्कीमा है, स्ट्रक्चर है। किसका? स्टूडेंट टेबल। समझ में आया होगा क्या? हमने एक स्ट्रक्चर स्कीमा तैयार किया। किसका? स्टूडेंट का। मतलब एक टेबल है स्टूडेंट नाम की जिसका स्ट्रक्चर अपन इस प्रकार से बनाया है। इस प्रकार से उसमें पांच कॉलम लिए। अभी तक इसमें कोई भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट नहीं किया है। मतलब हमारा स्कीमा स्ट्रक्चर क्या अभी ब्लैंक है। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे? डेटा को स्टोर करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। ठीक, रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो आप, तो आपने कहीं ना किसी भी कॉलम को क्या बना सकते हो? आगे प्राइमरी की बना सकते हो। जिस भी कॉलम या फील्ड को आप प्राइमरी की बना रहे हो तो कि वो फील्ड ऐसा ना चाहिए उस टेबल में। पहली चीज तो यूनिक हो, पहली चीज तो क्या हो? यूनिक हो। और उस टेबल में बाकी सारे एट्रीब्यूट या कॉलम या फील्ड उसके ऊपर डिपेंड हो, या उसके बाकी कॉलमों को हम की कॉलम से आइडेंटिफाई हो सके। जैसे समझना, मैंने रोल नंबर डाल दिया जैसे 100, 101 पे मैंने डाल दिया जैसे कोई लड़की, मान ले तो मैंने ले लिया। एज में ले लीजिए, केस में ले लिया 70, एड्रेस जयपुर ले लेते मान लिए, क्लास मैंने ले ली 11th या 12th। इसी क्रम में मैंने दूसरा जो रोल नंबर ले लिया 102, वो मैंने मान लिया कुछ ले लिया।
वो एज मैंने इसकी 16 कर ली, मैं मान रहे कोटा से है और ये 11 का मान ले। तो अब मैंने क्या किया इस टेबल के अंदर, हमें प्राइमरी की बनाना है, तो प्राइमरी की स्टूडेंट टेबल में मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की के रूप में यूज में ले लिया। अब इससे क्या हुआ, इसके सारे अदर फील्ड है ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड है, मतलब इनकी इन बाकी कॉलमों की इस कॉलम से आइडेंटिफाई यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे मुझे 101 रोल नंबर का रिकॉर्ड भी मैं यहां से आसानी से निकाल सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ किसके माध्यम से, जब आपने 101 जो रोल नंबर कॉलम के बाद दिया प्राइमरी की बना, मतलब इस 101 से बाकी ये सारी वैल्यू क्या हो रही है, इससे पहचान हो रही है, इस पे डिपेंड है। सुन में आया कि पहले आगे चलते हैं, जिस भी कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया है उस कॉलम में वैल्यू क्या रहेगी, यूनिक वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी रे, यूनिक वैल्यू रहेगी। सुन में आया कि वैल्यू क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। आगे मैं चलूं, मतलब यूनिक मतलब रहेगी, मतलब उसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, किसके अंदर, जिसने आप प्राइमरी की बना दी, प्राइमरी की के ऊपर बाकी सारे डिपेंड होते, ठीक है। दूसरी चीज, प्राइमरी की को हम नल नहीं रख सकते, मतलब प्राइमरी की क्या होती है, नॉट नल होती है, नॉट नल मतलब इसको हम ब्लैंक नहीं रख सकते। आगे चला मैं इसी क्रम में, इस प्रकार से जो मैंने कहा कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यूनिक वैल्यू रहेगी इसके, तो इस प्रकार से क्या हुआ है, प्राइमरी की एक प्रकार से कंस्ट्रेंस का काम भी कर रहा है, कंस्ट्रेंस मतलब प्रतिबंध रूल्स भी लग रहा है इसके। समझ में आया कि, अरे समझ में आया कि लग रहा है कैसे, जैसे यूनिक वैल्यू आएगी तो 101 एक बार ही आएगा, 101 दो बार नहीं आ सकता, दो बार नहीं आ सकता, और ये सारे फील्ड कहीं ना कहीं इससे आइडेंटिफाई हो रहे, हो रहे नहीं हो रहे, ये होती है प्राइमरी की, क्या होती है प्राइमरी की, क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। एक चीज आपको बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, प्राइमरी की एक प्रकार से टेबल के ऊपर कंस्टेंस लगा रही है, किस लगा रही है, पूरी टेबल के ऊपर कंस्टेंस लग रहा है, लग रहा है क्या, बाकी सारे कॉलम भी इसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं कहीं ना कहीं, हो रहे नहीं हो रहे, तो एक प्रकार से जो प्राइमरी की है वो पूरी टेबल पे कंस्टेंस लगा रही है, पूरी टेबल पे नियम लगा रही है, रूल लगा रही है, प्रतिबंध लगा रही है, क्लियर, अरे क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। मैं आगे इस चीज की और बात करूंगा, आप ध्यान रखना, वहां पे आपसे पूछूंगा क्वेश्चन को, और आगे एक टॉपिक और आएगा, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंस, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंस, वहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। आगे आते हैं हमारे पास में डेटा कंस्ट्रेंस, क्या आता है डेटा कंस्ट्रेंस, देखो डेटा कंस्ट्रेंस क्या होता है, अगर मैं आगे वाले टॉपिक की बात करूं तो आता है डेटा कंस्ट्रेंट्स, डेटा कंस्ट्रेंट्स होता क्या है समझना, फिर हम इसके आगे बात करेंगे। डेटा कंस्ट्रेंट्स किसी भी टेबल के कॉलम या फील्ड पर इस प्रकार के रूल लगाते हैं, किसी भी टेबल के फील्ड कॉलम एट्रीब्यूट इस प्रकार के रूल लगाते हैं कि उसमें जो वैल्यू आएगी, जो डेटा आएगा, उस चीज को रखा मैंने
किसी भी टेबल में जो भी कॉलम के ऊपर अपन इस प्रकार के रूल लगाएंगे ताकि उसमें आने वाले डेटा की एंट्री, डेटा आएगा किस प्रकार आया उनकी लिमिट दिखाते हैं कि किस प्रकार का डेटा आएगा, कैसे डेटा आएगा, उनकी लिमिट क्या है, रेंज क्या है। यानी ये कब पॉसिबल होगा, जब उस कॉलम के ऊपर कुछ नियम होगा, कुछ कंस्ट्रेंस होगा, समझे इसको। तो डेटा कंस्ट्रेंस किसी टेबल के फील्ड या कॉलम पर लगाया गया एक रूल है जो उसमें होने वाली डेटा की एंट्री का निर्धारण करता है, कौन से डेटा इसमें एंटर होगा। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? क्या क्या वापस बताऊं क्या? किसी भी टेबल के कॉलम पे डेटा किस प्रकार का एंटर होगा, ये काम किसका होगा? डेटा कंस्ट्रेंस को। ठीक, आगे मैं इसी क्रम में और बात करना चाहूंगा तो समझना, जो भी डेटा एंटर होगा, डेटा कैसा एंटर होना चाहिए, तो उसमें कुछ तीन वर्ड के नाम लूंगा मैं यहां पर, सुनना, तीन वर्ड लूंगा। एक का नाम है कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी। इस प्रकार के रूल रहेंगे ताकि फील्ड में एंटर होने वाला डेटा क्या हो, कंसिस्टेंस हो, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी। हम जो किसी कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंस लगाएंगे तो कंस्ट्रेंस लगाने के बाद जो डेटा आएगा वो इन तीन वर्ड को फॉलो करेगा। कौन कौन से? कंस्टेंसी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगा और एक्यूरेसी रहेगी। अगर आप में जो कॉलम में कंस्ट्रेंस लगाया है उस कंस्ट्रेंस को फॉलो करते हुए डेटा की एंट्री हो रही है तो डेटा क्या रहेगा? कंस्ट्रेंस रहेगा, रिलायबिलिटी रहेगी और एक्यूरेसी रहेगी। आगे मैं बात करूं तो डेटा कंस्ट्रेंस तीन प्रकार के होते हैं। डेटा कंस्ट्रेंस तीन प्रकार की बात करूंगा मैं यहाँ पे, डेटा कंस्ट्रेंस तीन प्रकार मैं यहाँ पे। पहला जो है वो है एक चीज और छूट के बीच में, हम यहाँ पे डेटा कंस्ट्रेंस दो प्रकार के लगा सकते हैं। डेटा कंस्ट्रेंस दो प्रकार के लगा सकते हैं। पहला बात करूं तो इसमें से एक तो फील्ड पे और एक टेबल के ऊपर, जहां का डेटा कंस्ट्रेंस दो प्रकार से हम लगा सकते हैं, एक तो किसी फील्ड कॉलम या एट्रीब्यूट पे या पूरी टेबल पे। समझिए इसको, फील्ड की बात तो अपने यहां कर ही रहे थे, पूरी टेबल पे कंस्ट्रेंस कौन लगाते हैं? तो प्राइमरी की लगाते हैं। कौन लगाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैं बात की थी। हाँ, तो पूरी टेबल पे कंस्ट्रेंस कौन लगाते हैं? प्राइमरी की। बाकी फील्ड की अपन बात कर रहे हैं, फील्ड पे कौन कौन से कंस्ट्रेंस लग सकते हैं, जब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल कंस्ट्रेंस कैसे लगते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे फील्ड पे कौन कौन से कंस्ट्रेंस आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है उनकी क्लास कभी भी नल नहीं हो सकती। अरे हो सकती है क्या? अगर कोई स्टूडेंट क्लास में है, पढ़ने आया है, कोई स्टूडेंट पढ़ने आया है तो उसकी क्लास तो होगी होगी। अरे होगी नहीं होगी? क्या ये नल हो सकता है ये क्लास उसकी? कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। और आपने उस कॉलम में नल डाल दिया तो उसको खाली छोड़ दिया तो उसकी क्लास है ही नहीं, क्या पॉसिबल क्या चीज ये? नहीं। तो इस प्रकार के रूल लगाएंगे ताकि क्लास कभी उसका नहीं हो, नल नहीं हो सकती। जैसे दूसरा एग्जाम्पल बात करूं मैं, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर, मतलब एक रोल नंबर एक से ज्यादा स्टूडेंट कभी भी नहीं हो सकता, मतलब सेम रोल नंबर दो स्टूडेंटों का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आप जीजे तो सकते हो,
लेकिन इस प्रकार से कंस्टेंस लगाओ ताकि एक रो नंबर दो के पास असाइन ही ना हो, मिले ही नहीं। ठीक है, तो वही चीज बात करेंगे अपन। तो फील्ड के कंस्टेंट तीन प्रकार की बात करेंगे, तीन प्रकार के कंस्टेंट देखेंगे। पहला आता है फील्ड पे तीन प्रकार के कंस्टेंट आएंगे अपन। डेटा कंस्टेंट तीन प्रकार के होते हैं, वो कौन से होते हैं? एक तो होता है नॉट नल, क्या होता है ये? नॉट नल। दूसरा होता है यूनिक, तीसरा होता है चेक। हम तीन प्रकार के कंस्टेंट्स लगाएंगे, नॉट नल, यूनिक और चेक। इन तीनों ही वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट नल, यूनिक और चेक। पहले बात करता हूं मैं नॉट नल की, फिर बात करूंगा मैं यूनिक की, फिर बात करूंगा मैं चेक। ठीक है, वन बाय वन बात करेंगे अपन। यहां तक क्लियर है ना? देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं नॉट नल की, क्या करता हूं नॉट नल की, एक बार इसको नोट करो, मैं इसको रख करूंगा, बनाऊंगा इसको, एक बार इसको नोट करो, मैं रख करूंगा इसको। चलो पहले इसमें थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको एग्जाम्पल समझाऊंगा इसका, है ना? देखो पहले थ्योरी इसकी, पहले थ्योरी समझ लो एक बार। अगर हमने, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले कि स्टूडेंट के क्लास को आपने नल कर दिया, क्या नल हो सकती क्या नहीं हो सकती? तो जब आप उसका स्कीमा स्ट्रक्चर बना रहे हो, किसका? स्टूडेंट टेबल का। तो उसका स्ट्रक्चर बनाते समय ही आप क्या कर दो, उस क्लास नाम के फील्ड के ऊपर क्या लगा दो, नोट नल। क्या लगा दो? नोट नल। यदि आपने क्लास के, यदि आपने क्या किया, स्टूडेंट टेबल के क्लास नाम के कॉलम के ऊपर, कॉलम में आपने नॉट नल कंस्टेंस लगा दिया, इसके बाद आप चाहकर भी उस फील्ड में वैल्यू ब्लैंक नहीं रख सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने उस फील्ड पे कंस्टेंस लगा दिया, क्या? नोट नल। क्या लगा दिया? नोट नल। जिस फील्ड पे आप नोट नल कंस्टेंट लगाते हो, उस फील्ड में वैल्यू क्या रहेगी? क्या रहेगी रे? उसमें वैल्यू खाली नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ डालना ही होगा आपको, वैल्यू देनी ही होगी, कंपल्सरी है। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म भरते समय कई पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर रेड साइन लगे होते, रेड स्टार लगे होते। अरे होते हैं क्या? आपने कोई फॉर्म भरा हुआ, उस पर क्या होता है कि फॉर्म रेड स्टार लगे होते हैं। जैसे आप बोर्ड का फॉर्म भरते हो, तो बोर्ड के फॉर्म में कई फील्ड ऐसे होते हैं जिसमें आप क्या होता है, रेड स्टार लगा होता है, पर वो तो आप कंपल्सरी उसमें डालना ही होगा। कुछ ऑप्शन होते हैं आप डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। जैसे मेल आईडी है, आपने डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते। लेकिन जैसे सिंपल सी बात करूं, क्लास है, जेंडर है, इनको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, है नहीं है? ये कंपल्सरी, इनको एंट्री करनी ही पड़ेगी आपको। नेम है, आदर्श नेम है नहीं, सब्जेक्ट है, इनको आप चाहते हुए भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। क्यों? वो तो कंपल्सरी डाल, फॉर्म भरे तो कंपल्सरी है, तो डालो डालो आप। तो मेरे का मेल है, मोबाइल नंबर है, ये आपको ऑप्शन है, जाना चाहो ठीक है, नहीं डालो तो कोई बात नहीं, है नहीं है? ठीक है, ऑप्शनल। ठीक है, ये कब पॉसिबल हुआ? जब आपने उस फील्ड के ऊपर क्या लगा दिया, नॉट नल कंस्टेंस। क्या लगा दिया रे? नॉट नल कंस्टेंस लगा दिया। तो नॉट नल कंस्टेंस लगाते ही उस फील्ड में आप वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको डालनी ही होगी, ये होता है नॉट नल कंस्टेंस। अरे क्लियर है क्या नॉट नल कंस्टेंस? नॉट नल कंस्टेंस क्लियर है क्या?
अच्छा नोट भी कर लिया साथ साथ, नोट भी कर लिया, और जो मैंने समझा वो समझ में आ गया आपको? तो नोट कर लो पहले, आपके जो निश्चित नहीं नोट कर लो, और मैंने आपको समझाया नोट न कंस्ट समझाया कि समझ में आया होगा आपको। हाँ चलो नोट कर लो, है ना? ठीक है पहले नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे आगे। हाँ कर लिया, ठीक है इसी तरह आपका हो गया। हाँ तो यहां पे मैंने बात की किसकी, नोट नल कंस्ट्रेंट्स की बात की, ठीक है। नोट नल में होता क्या है, ये मैंने आपको बताया कि हम किसी भी फील्ड या कॉलम के या एट्रीब्यूट के ऊपर अगर नोट नल कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं तो हम वहां पे उस फील्ड में वैल्यू को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, नोट नल कंस्ट्रेंट्स। नोट नल का होता है, नल मतलब ब्लैंक, नोट नहीं, ब्लैंक खाली नहीं, खाली नहीं, ब्लैंक नहीं, ठीक है। मतलब समझे इसका, इसका क्या होता है, नोट नहीं, नल मतलब खाली, हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जिस भी फील्ड कॉलम पे ये कंस्ट्रेंट लगता है तो उस फील्ड में हम चाहते हुए ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, कुछ वैल्यू डालने ही। अगला आता है यूनिक कंस्ट्रेंट। अगर यूनिक कंस्ट्रेंट की मैं बात करूं तो जिस फील्ड या कॉलम के ऊपर हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते ही उस फील्ड में वैल्यू क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। और एक प्रकार से मैंने कहा था कि प्राइमरी की के अंदर जो वैल्यू आती है फील्ड में क्या आती है, यूनिक आती है। मतलब यूनिक कंस्टेंस एक प्रकार से प्राइमरी की का ही नॉमिनी है, प्राइमरी की के अंदर ही काम कर रहे हैं। और मान लिया आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की बना दी, सॉरी प्राइमरी की बना दिया या यूनिक कंस्टेंस लगा दिया उसके ऊपर, तो यूनिक कंस्टेंस लगाते ही उस टेबल के रिकॉर्ड की पहचान भी क्या हो रही है, यूनिकली हो रही है। क्या हो रही है, यूनिकली हो रही है। जैसे आपने मान लिया
रोल नंबर फील्ड को प्राइमरी की नहीं बनाया, रोल नंबर फील्ड को क्या नहीं किया आपने, प्राइमरी की नहीं बनाया, आपने रोल नंबर फील्ड के ऊपर क्या लगा दिया, यूनिक कंस्टेंस लगा दिया, क्या लगा दिया, यूनिक कंस्टेंस। यूनिक कंस्टेंस लगाते ही रोल नंबर में अब क्या आएगा, ओनली यूनिक वैल्यू आएगी, क्या आएगी, यूनिक वैल्यू, एक वैल्यू एक बार, एक वैल्यू एक बार ही आएगी। ठीक है, इसको एग्जांपल से, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा और आप उसमें 100% ही कंफ्यूज हो गए और आप सर आपसे कुछ गलत है जहां तक है, कोशिश करना सही देने की, आंसर सही देने की कोशिश करना आप। मेरे पास कुछ वो टेल बनाता हूँ आपस, रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस और क्लास। ठीक है, इस टेबल के अंदर 101, 102 कुछ नहीं दिया मैंने, 103 यहाँ पे खाली छोड़ा भी नहीं है ना, फिर मैंने कुछ नहीं दिया। फिर मैंने 103 दिया, ठीक है, इस टेबल है मैं रोल नंबर डाले हैं, नेम डाल दे, एबीसी डाल दे, नेम ए बी सी डी ई एफ डाल दी, ठीक है, नेम मान ले तो 10 है 12 है, 10 है 14 है 16 है 14 है जो भी, ठीक है, एड्रेस जयपुर डाल दिया, कोटा डाल दिया, अजमेर डाल दिया, जयपुर कोटा अजमेर, ठीक है, क्लास डाल दी मैंने, जैसे स्किप 6 डाल दी, स्किप 7 डाल दी, स्किप मैंने 5 डाल दी, स्किप मैंने 8 डाल दी, इसकी मैंने 9 10 डाल दी, ठीक है, इसकी मैंने डाल दी 5 डाल दी, सॉरी 8 डाल दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस नल को प्राइमरी की नहीं बनाकर, इस रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाकर मैंने करवा दिया इसको यूनिक, इसके ऊपर यूनिक यूनिक कांस्टेंट लगा दिया, क्या लगा दिया इसके ऊपर, यूनिक कांस्टेंट लगा दिया, ठीक, मतलब मैंने क्या किया, रोल नंबर नाम के फील्ड को क्या बना दिया, यूनिक बना दिया। अब यूनिक बनाते ही क्या इसमें वैल्यू यूनिक ही आई है, क्या यूनिक मतलब एक वैल्यू एक बार, एक वैल्यू एक बार, ठीक है, यूनिक कंस्टेंस लगाते ही इनके जो रिकॉर्ड होंगे उनकी भी क्या होगी, यूनिकली आइडेंटिफाई होगी, यूनिकली पहचान हो, क्या वो इस चीज से स्टेप में हो रही है क्या, मैंने यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रक्ट लगा दिया रोल नंबर के ऊपर, अब क्या यहाँ पे वो चीज जो मैंने कंडीशन बताया वो चीज हो रही है क्या, कंडीशन बताइए आप, नो, वाई राहुल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है सीता, रीजन दो, जो मेरा क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन में आपसे ही पूछने की कोशिश कर रहा हूं, आपसे एक सौ तीन रिपीट आ रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपने चेंज किया सर, 103 रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं है, ये मैंने क्या कर दिया, 3 को 8 कर दिया, आप बता दो रहे, एक प्रॉब्लम तो आपने पे कर ली, ठीक है, 108 कर दिया मैंने वहां पे, अब ठीक है, अब ठीक है क्या, हाँ बेटा रिपीट को मैंने हटा दिया राहुल, जो डेटा रिपीट होता है मैंने उसको हटा दिया, अब बताओ,
एज एंड क्लास भी रिपीट हो रही है, एज और क्लास भी रिपीट हो रही है। बेटा एज क्लास तो रिपीट होगी होगी, एक क्लास में जरूर थोड़ी ना एक ही बच्चा पढ़ने वाला हो। हाँ शीता, ये जरूरी थोड़ी ना है एक क्लास में एक ही बच्चा पढ़ने वाला हो, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे। तो देखो जब तो नाम अलग है, देखो भाई आपका एज और क्लास सेम आ रही है, तो एक 10 बार 2 बार एज आ रही है, तो नाम तो अलग अलग है ना, बच्चे तो अलग अलग है नहीं है। तो हो तो सकता है एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। और हमने इनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगाया भी नहीं, अच्छा राहुल ने कहा एक में रोल नंबर नहीं है, अच्छा ठीक है राहुल ये ले, मैंने यहाँ पे रोल नंबर नहीं है डाल दिया, 109 डाल दिया। अब बताओ भाई राहुल डाल दिया, अब सही है। यूनिक कंस्टेंस के हिसाब से पूछ रहा हूं, मैंने ऊपर यूनिक कंस्टेंस लगाया है इसके ऊपर ध्यान रखना। हाँ जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं पता बड़ा आंसर दो, कुछ तो दो, कुछ तो बताओ, कुछ तो रीजन, सब कुछ डेटा पे सामने है। वापस बोलूं मैं, जिस भी फील्ड के ऊपर यूनिक कंस्टेंस हम लगाते हैं उस फील्ड में वैल्यू यूनिक आएगी, एक बार ही आएगी ठीक है, और यूनिक आने से उस फील्ड में यूनिक वैल्यू आने से उस टेबल के रिकॉर्ड भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जैसे मैंने रोल नंबर को यूनिकली बना दिया, तो जैसे रोल नंबर 101 है तो रोल नंबर 101 बार ही आया है, तो इससे एक पर्सन एक स्टूडेंट की पहचान हो रही, पूरा रिकॉर्ड की पहचान हो रही कि 101 पे ए रोल नंबर है, ए नाम का है, 10 एज है इसकी, जयपुर का 6 क्लास पढ़ता है नहीं है, ये उसकी पहचान हो, पूरी यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा पूरा रिकॉर्ड। अब मैंने कुछ नहीं पूछा था आपसे, क्या मैंने रोल नंबर में जो ये डेटा डाला है वैल्यू डाल दी है ठीक है क्या? हाँ सर, एक रो में रोल नंबर नहीं है, मैंने डाल तो दिया था मैंने, ये प्राइमरी की में नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। चलो प्राइमरी की बात करता हूँ मैं, यूनिक की बात करता हूँ, कि आप उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा था, आप वहां नहीं पहुंच पा रहे, समझो प्राइमरी की भी सर बीच के रोल नंबर नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, बीच वाले बच्चे छोड़ गए होंगे, तो बीच वाले बच्चे क्लास छोड़ गए होंगे या किसी ले गए होंगे स्कूल से, और रोल नंबर अपने पहले ही उसको अलर्ट कर दिए थे, हो सकता है। चल कोई बात नहीं, यूनिक मतलब आपको ये नहीं करना, ऑर्डर पोर्डर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यूनिक मतलब अकेला, यूनिक मीन्स अकेला, वन मैन ओनली, एक जैसा एक ही बोलता है यूनिक। अब सर आगे है पीछे है, क्रम में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, ये नहीं हो, अपने उसके ऊपर ऑर्डर नहीं लगाया ठीक है। अगर मैं सो एज के हिसाब से ऑर्डर कर दूं तो, या उस क्लास के हिसाब से ऑर्डर कर दूं, या नाम के हिसाब से ऑर्डर कर दूं, अलग अलग हो जाएगा। जैसे ए नाम के बहुत सारे बच्चों की 6 में पढ़ेंगे, 8 में पढ़ेंगे, तो रोल नंबर अलग अलग रहेंगे, रोल नंबर आगे पीछे हो सकती है, और ऑर्डर लगा दो उसके ऊपर तब बात अलग है नहीं। चल अब मैंने क्या किया, यहाँ पे यूनिक लगा दिया, और मैंने कहा था कि प्राइमरी क्या करता है उसकी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया। तो मैंने इससे
रोल नंबर नाम के कॉलम में जो वैल्यू डाली है 101, 102, 109, 103 कुछ नहीं डाला, 108। ठीक, अब ये सारी वैल्यू क्या है, यूनिक है। 101 भी एक बार आया, 2 भी एक बार, 9 भी एक बार, 3 एक बार, 8 भी एक बार। सॉरी, आपने यहाँ पे खाली छोड़ दिया, मतलब रोल नंबर क्या छोड़ दिया आपने, नल छोड़ दिया, नल है। अरे तो नल भी तो एक बार ही तो आया है, ये भी तो यूनिक ही है, आ सकता है। प्राइमरी की में खाली रख सकते हो आप, लेकिन एक ही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे नल कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नल 2 बार हो गए, खाली 2 बार छोड़ दिया आपने, और 2 बार उसमें तीन ही कुछ ही, 2 बार कुछ होता ही नहीं है। यूनिक, एक बार खाली भी छोड़ो तो एक बार ही छोड़ो, 2 बार छोड़ दो, नल भी एक ही वैल्यू छोड़ सकते हो आप, दो को नहीं छोड़ सकते। ध्यान रखना, यूनिक में नोट नल हो सकता है, यूनिक में नोट नल हो सकता है, लेकिन वो एक बार, ओनली एक टाइम। समझ में, यूनिक में हम एक वैल्यू नल छोड़ सकते हैं, एक बार। दो छोड़ दिया तो पॉसिबल होगा ही नहीं, वो यूनिक हुआ ही नहीं, यूनिक हुआ ही नहीं। दो ब्लैंक खाली छोड़ दिए तो यूनिक कैसे हुआ रे? हाँ, एक तो खाली छोड़ सकते हैं, दो खाली नहीं छोड़ सकते। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? यूनिक और नॉट नल में जो डिफरेंस था मैंने बताया आपको, समझ में आया क्या रे? अरे समझ में आया क्या? मैं आपको यहां लाना चाहता था। ठीक, तो ये तो हमने बात की किसकी, नॉर्टनल कंस्टेंस की और यूनिक कंस्टेंस की। बसता क्या अपना, चेक कंस्टेंस बसता है, और चेक के बारे में मैंने आपको कल भी थोड़ा तो बहुत बताया होगा आपको, डोमेन में पढ़ा था डोमेन है, तो डोमेन एक प्रकार से चेक कंस्टेंस में होता है। ठीक है, किसी भी कॉलम का आप उसकी जो लिमिट है, रेंज है, वो फिक्स करोगे, वहां क्या लगाओगे, चेक कंस्टेंस। जैसे मैंने क्लास में, अगर यहाँ पे क्लास नाम के कॉलम में मैंने वैल्यू छोड़ी 6, इसमें कुछ नहीं डाला कि जो ए नाम का बच्चा है खाली क्लास में पढ़ता है, वो क्लास ही नहीं है, कोई क्लास ही नहीं है, तो हो सकता है क्या? अरे कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है उसे कोई क्लास नहीं हो क्या, ऐसा हो सकता है क्या? हो तो नहीं सकता, लेकिन हमने तो कर दिया, हमने तो कर दिया, और कर दिया तो वो तो होगा, कर दिया तो होगा, तो हम क्या करें कि ऐसे कुछ कंस्टेंट लगाओ इसके ऊपर, ऐसा कुछ कंस्टेंट लगाओ कि हम ही उसको रेंज दें, उसी रेंज में से वो वैल्यू दे, हम उसको क्या दे, रेंज दे, उस रेंज में से वो वैल्यू सेलेक्ट कर, या उस रेंज के बीच वैल्यू एंड, तो उसके लिए होता है चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट लगते से आपने कुछ नहीं दिया, ये क्या करेगा, प्लीज चेक योर वैल्यू एंड गिव राइट आंसर, या गिव राइट वैल्यू, या बिटवीन जो भी आपने चेक में रेंज वैल्यू दी है उसके बिटवीन वैल्यू एंटर कीजिए। इस प्रकार की क्या देगा, ये आपको एक एरर देगा। चेक कंस्टेंट लगता कैसे है, एक मैं आपको एग्जाम्पल सुनाऊं क्लास के लिए ही, फिर देखेंगे अपन। चेक क्लास इन, चेक क्लास इन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार से चलते गए कि लास्ट में क्या कर दिया अपन ने, 12th कर दिया। अरे कर दिया क्या, चेक किस पे लगाया, क्लास। क्लास क्या है, क्लास क्या है, यहाँ पे एक कॉलम है, एक फील्ड का नेम है,
क्लास इन कीवर्ड लगा दिया, इसकी रेंज दे दी अपने 5 से लेकर 12 तक, दे दी क्या? सर आपने इसके ऊपर कोमा, ऊपर इनवर्टेड कोमा क्यों लगाया? अरे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए क्या लगता है? इनवर्टेड कोमा लगता है, इसलिए लगा दी इसको। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक की मैंने वैल्यू दे दी। अब ये चीज लगते ही अगर मैं यहाँ पे डाल दू 15 या कुछ नहीं डालू तो वो लेगा ही नहीं, क्या बोलेगा? प्लीज चेक योर वैल्यू एंड गिव 1 to 12, गिव बिटवीन 1 to 12, अपनी वैल्यू चेक करो और 1 से 12 के बीच में ही वैल्यू एंटर करो। है नहीं है ये कब पॉसिबल हुआ? अब आपने यहाँ पे 15 डाल दिया, डालते हुए ले ही नहीं रहा, वो ले ही नहीं रहा, आप चाहते तो डालना, वो नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया? चेक कंस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? चेक कंस्टेंस लगा दिया। तो चेक कंस्टेंस क्या काम में आता है? चेक कंस्टेंस किस काम में आता है? किसी भी कॉलम या फील्ड में जो उसकी रेंज या वैल्यू सेट करते हैं, उस रेंज और वैल्यू में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए ही हम चेक कंस्टेंस लगाते हैं कि उस कॉलम में वैल्यू इस रेंज में ही आनी चाहिए, इस रेंज की ही होनी चाहिए जो आपने चेक कंस्टेंस बनाते समय आपने दी है। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अरे अच्छा क्लियर है। तो हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़ा, कंस्ट्रेंट्स कितने प्रकार के होते हैं ये हमने बात की, तो कंस्ट्रेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? अरे बताओ भाई। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स बताइए, कंस्ट्रेंट्स कितने प्रकार के होते हैं बताओ। बताओ जल्दी से, मुझे पता आपका आंसर 3 ही आएगा। हाँ बेटा, 3 कौन कौन से होते हैं? चलो कोई बात नहीं, एक बार इसका आंसर तो पहले आप, फिर मैं क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। कंस्टेंट्स आपने 3 बताए, कौन कौन से? एक दो का नाम बता दो मुझे, एक का नाम बता दो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप ये बता रहे। बताइए जल्दी से। की कंस्ट्रेंट्स, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स, पार्टीज, ओके पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट्स, और बाकी बच्चे, बाकी बच्चों का, बाकी बच्चों का। राहुल 6 होते हैं, 6 कौन कौन से हो गए राहुल? कुछ बेटा कौन कौन से होते हैं? कुछ कुछ कौन से होते हैं? चलो कोई बात नहीं, इसी तरह जल्दी दिमाग लगा लिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ ये तो थोड़ा मैंने क्वेश्चन रिपीट करने में, तो आपका आंसर 3 ही आता, और 3 में यही आते कि सर चेक है, नल है, नोट, सॉरी चेक है, नोट, नल है और यूनिक है, ये 3 कंस्ट होते हैं।
अरे नहीं, ये तीन डेटा कंस्ट्रेंट्स हैं, ये तीन क्या है, डेटा कंस्ट्रेंट्स है। मैंने पूछा था आपसे कंस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट, तीन थे पहले, की मैपिंग और पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये तीनों कंस्ट्रेंट्स और लगते हैं किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, क्योंकि तो डेटा कंस्ट्रेंट लगते हैं फील्ड या कॉलम के ऊपर लगते हैं, क्या लगते हैं, फील्ड और कॉलम के ऊपर, मैंने बात की एग्जाम्पल के माध्यम से। तो डेटा कंस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स ध्यान रखना, ठीक है। डेटा कंस्ट्रेंट्स तीन प्रकार के, यूनिक, चेक और नॉट नल। यूनिक, चेक और नॉट नल तीन तो होते हैं, कौन से, डेटा कंस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स, हमने बात की थी वहां पे तीन प्रकार के, की कंस्ट्रेंट, मैपिंग कंस्ट्रेंट, पार्टिसिपेट कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट हम दो प्रकार पढ़े थे अपन ने, कैंडिडेट की, कंपोजिट की। मैपिंग चार पढ़ी थी, 1 to 1, 1 to many, many to many, और many to one वाले पढ़ी थी। और जो पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट टू टाइप पढ़े थे अपने, टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेंट, ठीक है। ये दो, ये कुल मिला के कंस्ट्रेंट अपने वहां पे पहले पढ़े थे। हम बात करते हैं आज यहाँ पे डेटा कंस्ट्रेंट जो लग रहे थे किसी कॉलम या टेबल के ऊपर, ठीक है। अरे क्लियर है क्या, कोई डाउट, डाउट है क्या अभी? हाँ, तो अपना कल का जो टॉपिक रहे रहेगा, कल का टॉपिक क्या रहेगा अपना, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और फॉरेन की, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, रेफरेंस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और फॉरेन की, ठीक है। ये अपना टॉपिक रहेगा कल वाली क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन तो नेक्स्ट क्लास में। और जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे उनको बोलो क्लास कंटिन्यू करें, ठीक है। एक बार पढ़ाया हुआ वापस पढ़ाया जाएगा आपको, आप सोचते होंगे कि ऑफलाइन पढ़ लेंगे, ऑनलाइन वापस पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं हो पाए, टाइम वैसे ही काम है। अभी अपना प्रैक्टिकल का सिलेबस बाकी है, प्रैक्टिकल करना अपने को, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं आ रहे वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपने सामने, प्रॉब्लम तो लेके आएंगे वो, तो उन्हें पढ़ाई नहीं तो प्रॉब्लम तो आएगी उनको। तो क्लास कंटिन्यूटी करे, और जो आपकी फीस वगैरह है वो भी डिपोजिट करवाते रहिए, तो क्लास कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतने, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स ऑल ऑफ।